अच्छा वो तुम आ गए। क्या प्रज्ञा मिली, तुमने उसे पकड़ तो लिया ना, तुम उसके हाथ में रस्सी बांधिया नहीं? अरे वो भाग जाती है, तुम बोल के नहीं, तुमने उसे पकड़ा लिया? हालत देखो अपनी, पागल हो गई हो तुम। प्रज्ञा वहां पे नहीं है, अकेली प्रज्ञा ने तुम सबको पागल कर दिया। हाँ हो सकता है कि वहां प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा का भूत जरूर हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं कर रहा हूँ? प्रज्ञा पागल नहीं है जो यहाँ से भाग के वापस यहाँ पे आएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखो तुमने कहा था कि प्रज्ञा अभी के हाथ खोल रही थी, जब मैं उस वक्त वहां पे गया तो प्रज्ञा तो थी नहीं, तो अभी के हाथ बंधे हुए थे। अगर उसके हाथ खुले हुए होते तो वो यहां से भाग नहीं जाता, भागता नहीं, तो एटलीस्ट मुझ पर हाथ तो उठाता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम समझ नहीं रहे हो, देखो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है प्रज्ञा वहां पर थी, और तुम समझ नहीं रहे हो अगर प्रज्ञा यहाँ पर है ना तो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम सबकी शामत आ जाएगी यहाँ पर। प्रज्ञा वहां पे नहीं है, अगर वहां होती तो उसे क्या जमीन खा गई, आसमान निकल गया, या अरे हाँ अभी थोड़ा अजीब सा डांस कर रहा था, उसने शायद प्रज्ञा को खा लिया होगा, हजम नहीं होगी इसलिए से डांस कर रहा था। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है, प्रज्ञा है। तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने देखा, मेरे आदमियों ने देखा, वहां कोई नहीं है सिवाय अभी के। यू नो व्हाट, तुम्हारी तरह तुम्हारे आदमी भी यूजलेस है, दिमाग से तो पैदल है, आंखों से भी नहीं दिखता किसी को। जब मैं बोल रही हूँ मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। तुम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, वहां प्रज्ञा नहीं है। कौन सी भाषा में बताऊं? प्रज्ञा है। प्रज्ञा वहां नहीं है। बोला ना मैंने देखा है वहां पर प्रज्ञा है, तुमने ढंग से नहीं देखा। ठीक है मान लेते हैं कि वहां पे प्रज्ञा है, अब तुम मेरे साथ चलो और दिखाओ कि वहां पे प्रज्ञा है या नहीं। चलो मेरा हाथ। चलो ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आंखों से प्रज्ञा दिखाई दे रही है तो मैं तुम्हारी आंखों से देखूंगा प्रज्ञा। छोड़ो। क्या प्रज्ञा नहीं दिख रही? चलो आओ ना प्रज्ञा। पागल हो गए हो तुम, एक बार भी चीजों को सोचते नहीं हो। क्या करूंगी मैं वहां पर जाकर? अरे अगर उन्होंने वहां पर देख लिया ना तो आई गेट एक्सपोज। कौन सी बड़ी बात है, मैं तो एक्सपोज हो ही चुका हूं। क्या मुझे लगता है कि अभी को शक है कि मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। अब मुझे जल्दी से अंदर जाकर किसी भी तरह इनके साथ भागना होगा। ये सही रहेगा। ये हुई ना बात, अब ना कोई अंदर से बाहर आ पाएगा और ना ही बाहर से अंदर जा पाएगा। हट रहे। आ भाई बैठो रे, बैठो। हे भगवान, इसने तो डोर ही लॉक कर दिया, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अच्छा वो प्रज्ञा इनकी पकड़ में नहीं है, पर ये गायब कहाँ होगी? वो मुझे ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकती। देखो जरा रस्सी अगर थोड़ी भी लूज हुई तो मैं खुद ही खोलकर यहां से भाग जाऊंगा। क्या यार, किसने कहा था फुग्गी को इतनी टाइट रस्सी बांधने के लिए? तो मैं यहां से निकलूंगा कैसे? भाई आ गया। क्या लाया ये? क्या रे निकम्मे, तुम लोग को एक काम बोलो वो भी तुमसे ढंग से नहीं होता, इतना टाइम क्यों लगा दिया? भाई देखोगे ना तो खुश हो जाओगे, गुस्सा सब शांत हो जाएगा। ये पूरन के ढाबे का स्पेशल बिरयानी है भाई, देखो तो सही। अरे वाह गुरु, मजा आ गया यार। चाबी तो मेरे सामने है लेकिन मैं लूं कैसे? यहाँ खाना खाने बैठ गए ये लोग, इतना टाइम लगाएंगे और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। कुछ तो करना होगा जिससे ये चाबी अपने आप मेरे पास आ जाए।
कोई है क्या? नहीं नहीं इस बार नहीं, इस बार पकड़ी गई तो मेरे साथ वो भी। प्लीज भगवान इस बार नहीं प्लीज। मैंने पूछा कौन है यहाँ पर बाहर आओ? भाई इधर तो कोई नहीं दिख रहा है। भाई अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो फिर चाबी नीचे कैसे गिरी? अरे टेंशन ना लो भाई, कोई चूहा या बिल्ली खींच कर ले गई होगी इसे। चुप रहे, हर बात चूहा बिल्ली चूहा बिल्ली चूहा बिल्ली। अगर यहाँ पर चूहा बिल्ली है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? लो भाई बोल दिया बिल्ली ने, उसने बोल दिया कि मैं ही हूँ। अब क्या उसको बुला के माफी मंगवाओगे? मुझे बिल्ली दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे बस कर डमरू, अब बिल्ली पे तो शक मत कर यार। डमरू भाई करना पड़ता है, एक बार गलती हो चुकी है, अगर अब दोबारा गलती हुई तो सर जी हमें काट डालेंगे। हाँ। समझे? ए बबन। हाँ, हाँ भाई, हाँ भाई। तू एक काम कर, अंदर जाके चेक कर और रॉकस्टार को अच्छे से बांधा हुआ है नहीं बांधा हुआ। अगर उसकी रस्सी जरा सी भी ढीली हुई तो वो कोई ना कोई कीड़ा कांडी करेगा जो हम सबके लिए बहुत भारी हो सकती है। चले ठीक है भाई। अरे चाबी चले जा। ठीक है भाई, हाँ बच्चे। हाँ ठीक है। वो अकेला जा रहा है और दरवाजा भी खोलेगा, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, शायद मौका मिल जाए अंदर जाने का। कैसे जाऊं अंदर? वो अंदर है और बाहर ये सारे गुंडे, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। आइडिया। अरे कैसे पता चल गया भाई को? क्या कर सकता था, तुम्हारे भाई को मुझ पे शक हो गया था। उसके बाद क्या था? उसने मुझसे पूछा कि तुम निखिल हो क्या? वो तो मैंने किसी तरह बातें घुमा दी, वरना 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 क्या निखिल? फाइनली क्या हुआ? भाई को शक है कि तुम निखिल हो या उन्हें यकीन है कि तुम निखिल हो? अभी को मुझ पे शक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों के बाद वो शक का कीड़ा उसके दिमाग से निकल गया। तुम्हें क्या लगता है भाई तुम्हारी तरह बेवकूफ है? ही सच अ स्मार्ट कुकी कि अगर एक बार उन्हें लगा कि तुम निखिल हो तो ये बात उनके दिमाग में बैठ जाएगी। दिखाई भी नहीं देगा कि उन्हें पता है, लेकिन फिर भी एक बार यहां से बाहर निकलेंगे ना तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। Either he's gonna kill you or get you caught or do something. तुम तो नहीं बचने वाले। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे यहां से जाने दूंगा? ये जानते हुए कि मेरी जान को खतरा बन सकता है वो, मैं उसे यहां से क्यों जाने दूंगा? क्योंकि उसकी स्वीट बहन को ऐसा लगता है। यूं? नहीं 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 You listen to me nicely now. क्या है कि तुमने खुद को बहका रखा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा और तुम्हारे भाई को जाने दूंगा, लेकिन तुम ये बात नहीं जानती हो कि इस सब के बाद मैं तुम्हारे भाई का और भी बुरा हाल करूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर मेरे भाई को खरोच भी आई ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मार सकते हो? वैसे ये जो तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो, ये तुम प्रज्ञा पे क्यों नहीं अप्लाई करती? मतलब जब भी तुम्हें प्रज्ञा को मारना होता है तुम मेरी मदद मांगती हो। मैं बताता हूं तुम क्या करो, तुम इस अस्तबल में सड़ने से अच्छा घर जाओ, एसी ऑन करो, कॉफी पियो, ओके? जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली निखिल, आखिरी बार बोल रही हूं, आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई विल सीरियसली किल यू। मानना पड़ेगा, दिमाग हो ना हो लेकिन हिम्मत तुम में बहुत है। या मेरे अड्डे पे मेरे सामने तो छोड़ो, मेरे आदमियों के सामने तुम मुझे धमकी दे रही हो। तुम्हारे आदमी भी ना तुम्हारी तरह ही एक नंबर के बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे आदमी यूं पैसों से चलते हैं ये आदमी? अभी पैसे इनके मुंह पर फेंक कर मारूंगी ना तो 2 मिनट में तुम्हारे सामने से मेरे आदमी हो जाएंगे। जब मैं इन्हें बोलूंगी ना कि तुम्हें मारना है तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सोकॉल्ड आदमी तुम्हें मारने के लिए आएंगे। नॉनसेंस मेरे आदमी।
हाँ भाई रॉकस्टार, तबियत पानी सब मस्त? बोले तो मजे में हो ना? कुछ तो ऐसा रहे जैसे पार्टी में बुला था। इधर मुझे बांधो, पता चलेगा कितना मजा। अरे भाई भड़कते काहे को, मैंने थोड़ी ना तुम्हें किडनैप किया है। ये तो आप उनको जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है ना, वो ही पूरा करना होता है। अपने छोटे बच्चे है ना, यानी पेट के वास्ते। खैर जाने दो भाई। भाई एक बात बताओ, तुम स्टार लोग ना अपने फैंस के लिए कुछ भी करते हो ना? हाँ कुछ भी करते हैं। तो भाई अपने को भी एक फोटो वीटो लेने दो ना अपने साथ। फोटो खिंचवाने आए यहाँ पर? कोई फोटो नहीं मिलेगा भाई। भड़कते काहे को, मेरे लिए थोड़ी, मेरी बीबी के लिए। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैंने शादी के 10 साल में आज तक उसको कुछ भी नहीं दिया। मतलब कहने का है कि आपके साथ फोटो दूंगा ना तो वो बहुत खुश हो जाएगी और मुझे लव करने लगेगी भाई। बी फैन है मेरी, बहुत बहुत बड़ी। ठीक है खिंचवा लूंगा फोटो, वरना तुझे तो मैं अपने बाल के फोटो भी ना दूं। निकल भाई। थैंक यू भाई। भाई आप नहीं जानते कि आपने मेरा कितना बड़ा काम किया है। भाई एक फोटो भाई। बहुत लोगों को आपके पास जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन भाई मैं तो आपके साथ फोटो खिंचा रहा हूं। लेकिन हम गुंडों की किस्मत भी है ना भाई, ये अच्छी है ना जी? ये साइड से फोटो अच्छी नहीं आ रही। तू काम यहां से खींच। हाँ फोटो अच्छी नहीं आ रही है भाई। एक काम कर, तू बाल ठीक कर। अच्छा अच्छा अपनी बीवी के लिए फोटो ले रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। तो तेरी बीवी तुझे देखी क्या मुझे? हाँ हाँ आपको 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 भाई आपको। ठीक है आप लो भाई फोटो। हाँ भाई भाई ये देखो, ये फोटो बहुत अच्छी आ रही। हाँ ये हुई ना फोटो, ये जबरदस्त फोटो भाई। एक और एक और। हाँ एक और फोटो, एक और फोटो भाई। ये मस्त फोटो आई भाई, जबरदस्त। मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी भाई, ये बहुत अच्छी फोटो। अरे जबरदस्त भाई, वो सबको फोटो भेजेगी भाई। भाई एक और। हाँ ये ओ ये भाई बहुत अच्छी फोटो वाली। ये फोटो सही भाई, बहुत अच्छी भाई। एक उस साइड से फोटो लूं क्या? नहीं रुक 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 रुक। ये फोटो ज़ूम कर। उधर देख, उधर उधर देख। इसको ज़ूम आउट कर। हाँ कर दिया भाई, कर दिया, ज़ूम आउट कर दिया। तू एक काम कर, इसे डिलीट कर। भाई ये तो बहुत अच्छी फोटो आई है। नहीं फोटो अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना। तो एक काम कर, वो जो पहली वाली फोटो थी ना, हाँ हाँ वो ठीक है, हम उसे ही रखेंगे। ओके लेकिन भाई उसमें तो बाल ठीक नहीं थे। अबे जैसी जगह है बाल भी वैसे ही होने चाहिए ना। हाँ नेचुरल हाँ। लगता है नेचुरल। ठीक है भाई जो कहोगे वो करता हूँ, मैं करता हूँ। एक काम कर जाए ऐसे। अबे जा वरना तेरे पास बोलूंगा। जाता भाई, भड़कते को भाई। अजीब आदमी है। देखो तुम तनु की दोस्त हो इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। शट अप, फालतू के बहाने बनाना आता बस तुम्हें। जब इंसान को लगता है कि
वो एक तरीके से किसी काम का नहीं रहा है या उससे कुछ होगा नहीं ना, तो वो तुम्हारे जैसे एक्सक्यूजेस बताता है। इसीलिए तुम, चलो एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा। प्लीज सोचना पड़ेगा और किसी तरीके से हम दोनों को बच के निकलना होगा। चलो मैंने मान लिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने भी तो ये माना कि तुम भी प्रॉब्लम में हो, तो तुम समझदार हो, तुम ये बताओ कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। एक काम कर सकते हैं, तुमने कहा था ना कि भाई अगर यहां से बाहर निकलेंगे तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे कंप्लेन लिखाने, तो हम ये क्यों नहीं करते कि भाई को छोड़ देते हैं, वो उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे और फिर तुम अपने चार गुंडों को मास्क पहनाकर वहां पर भेज देना और उन्हें बोलना कि वो सरेंडर कर दे, वो पुलिस को बोले कि उन्होंने उन्होंने किडनैप किया था, तो तुम बच जाओगे। आइडिया अच्छा है, मगर इस सबसे मैं तो बच जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मगर तुम्हारा क्या होगा? मतलब प्रज्ञा यहां से भाग चुकी है, अभी को हम छोड़ देंगे, वो दोनों घर जाएंगे, दोनों मिलेंगे, दोनों का प्यार उमड़ेगा और वापस शादी करेंगे। Oh, no. Not at all. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और मैं होने नहीं दूंगी। वो दोनों मिलेंगे लेकिन उनकी शादी कभी नहीं होगी। अगर कुछ भी होगा ना तो इस बार मैं खुद प्रज्ञा को उठाऊंगी। I'm gonna see to it कि ऐसा बिल्कुल ना। हाँ, ये अच्छा, ये बहुत अच्छा है कि वापस प्रज्ञा को उठा लेंगे, क्योंकि उस काम के लिए वापस मुझे बलि का बकरा बनना पड़ेगा। प्रज्ञा को हम किडनैप करेंगे, उसको बचाने के लिए अभी यहाँ आएगा, अभी और मेरी मुठभेड़ होगी जिसमें वापस मैं अभी को यहाँ पकड़ के रख लूंगा, उसके बाद तुम अभी को बचाने के लिए यहाँ पे आओगी और तुम यहाँ आओगी, तो हमारी लड़ाई तो होगी ही होगी, और हमारी लड़ाई होगी तो वापस हम डिस्कशन करेंगे और वापस हम इसी पॉइंट पे आएंगे कि आगे क्या प्लान करना है। सो लेट्स सेव आवर टाइम, दिस इज अ स्टूपिड प्लान। स्टूपिड निखिल, हम ये भी तो कर सकते हैं कि प्रज्ञा को किस तरीके से एंटाइज करते हैं कि अगर भाई को छुड़ाना है तो उसे वापस आना होगा, यू नो, लाइक एन एक्सचेंज ऑफर। एक्चुअली ये कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम किसी तरह प्रज्ञा के कान में ये बात डलवा दें कि अभी हमारे पास है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दीवानी मीरा अपने कान्हा को बचाने खुद ब खुद यहां दौड़ी चली आएगी। एग्जैक्टली, और अभी तक घर भी नहीं पहुंची, वो है कहां, पता कैसे चलेगा? फुगी, बाहर आओ, मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे छुपी हो ना, बाहर आओ जल्दी। आपको कैसे पता मैं पीछे हूं? हाँ, जिस तरह बिना कहे तुम मेरे मन की बात जान लेते हो ना, उस तरह बिना देखे मैं पता लगा लेता हूं कि पीछे है क्या। वैसे तुम ठीक हो, इतना टाइम, ओहो, फिर से बचाकर हीरोइन बनना चाहती हो? नहीं, मैं वहां पे वो... अच्छा है, नहीं नहीं, क्या कर रही हो तुम, पता है कब से इंतजार कर रहा हूं, हाथ बन गए। और तुम, अरे लेकिन मैं, ये डंडा क्यों लेकर आई तुम, अब देखो मारो मत, मैं ठीक है ना, लेट आया तो काम होगा कोई। नहीं, हा? मैं ये सब आपको मारने के लिए नहीं, उन गुंडों से भागने के लिए लाई, इसीलिए मुझे इतना वक्त लग गया ये सब कुछ ढूंढने में। एक मिनट, भाई क्या कर रही हो तुम, हाथ तो खोलो, दर्द हो रहा है। Let's get back. मैं आपको यहाँ का सिनारियो बताती हूँ। यहाँ पे टोटल 5 घंटे, 4 यहाँ रहते और एक उनका बॉस है, पता नहीं कहीं और रहता। मैं जब यहाँ से निकली थी ना तब 4 ही गुंडे थे, तो यहाँ से भागना मेरे लिए आसान था और वो सब सो रहे थे जब मैं भाग गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो बाहर एक गार्ड भी था। इसलिए हमें कुछ बड़ा प्लान सोचना होगा यहाँ से भागने के लिए, आप समझ रहे ना? पहले मिलिट्री में थे क्या? मैं टीचर थी ना, कमांडो टीचर थी, ऐसा क्या कर रही हो तुम, कहाँ से सीख कर आई हो? आपको हर चीज में मजाक सोचना।